लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो आ गए, कहो ना प्यार देखना है ना, पहले बैंडिट क्वीन से निपटो। अगला सीएम है तू, सीएम बनना तेरे को, सीएम बनना है, ले बन सीएम साले, ले बन, पकड़ो इसे, अरे पकड़ो, अरे पकड़ साले को, मारो, तो बचना नहीं चाहिए, क्या सब आदमी तो होगा इसकी, अरे बचना नहीं चाहिए, क्या सब चला हो गई है, हैं, यार क्या समझती अपने आप को है, रिपोर्टर है तू, हैं इंटरव्यू लगी, अच्छा आ तू भी आ, हाँ ये ले फोटो खींचेगा ना, ले खींच 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 फोटो खींच, क्या बात है, ये ले लाइट दीजिए आप, क्या लाइट, आइए लाइट दूँ तेरे को, ये ले ले लाइट, छट 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 उठाइए, छट उठाइए, ये ले जब आ गया तेरी बारी, ओके मम्मी सब लोगों की तलाश जुड़ना वीडियो को, किसी भी गांव में संतान में अरे कुत्ते की तरह मारा टक लेने हैं, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, घुस जा भैया घुस जा इसी में घुस जा, कहाँ कैसा हुआ और सरकारी नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे अंशिया, तुम्हारे घर में पानी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये क्या, बिजली भी नहीं है? हाँ? सबके घरों में तो आ रही है। पता नहीं, फोन भी डेड हो गया है, मैं जाके कंप्लेन करके आता हूँ। हाँ। अरे कितने दफ्तर में जाके कितनी कंप्लेन करेंगे आप? मिस्टर राव, आप कौन? हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए हैं। क्या बात है, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ के ये घर बनाया है। आइए देखिए, ये 1 फुट 8 इंच एक्स्ट्रा है। हाँ। क्या कमिश्नर के ऑफिस से ऑर्डर है इसे तोड़ने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं, 30 साल से तो ऐसा ही है, आज अचानक क्या हो गया, और एक नोटिस तक नहीं भेजा? मैंने भेजा था, आपने लिया नहीं, तो हम क्या करें? क्या है शिवा? शिवा शिवा बेटा क्या हो गया, ये क्या हुआ? ये तेरे सर पे पट्टी कैसी? कुछ नहीं माँ जी, वो क्यू टीवी में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मामूली चोट है, पट्टी थोड़ी मोटी बांधी। शिवा ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले पानी बंद कर दिया, फिर बिजली काट दी, फिर फोन बंद कर दिया और अब हमारा घर तोड़ दिया। शिवा शिवा हमारा घर तोड़ दिया। रोमा तुमने जो एक दिन में सीएम मंत्र कर दिखाया ना, उसका बदला ले रहे बोलो। पापा माँ को अंदर ले जाइए प्लीज। आओ आओ, बस बहुत हो गया, मुझे मारा
तेरा घर तोड़ दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये सब बलराज चौहान का काम है। टोपी, तू एक काम कर, तू जाकर वकील साहब को ले आ। ठीक है। रुको, रुको। क्या करोगे? हाँ? केस करोगे? बहुत अच्छे, करो। पहले ही 14 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, याद है ना? तुम्हीं कहा था टीवी पर, तो तुम्हारा केस भी पड़ा रहेगा। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है, फिर बूढ़ा होकर अपने आप मर जाता है और फाइल अपने आप बंद हो जाती है। उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं? बंसल साहब, मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर बलराज चौहान की धज्जिया उड़ा दूंगा। उन्होंने तुम्हारे क्यू टीवी की जो धज्जिया उड़ाई वो भूल गए? सर, आखिर गलती क्या है मेरी? इस देश में भलाई करना सबसे बड़ी गलती। एक इंटरव्यू तो किया था मैंने, वो मेरा काम था। एक दिन का सीएम बना वो एक्सीडेंट था। सीएम बनकर भी मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब मैं वापस एक आम आदमी हूं। फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे, तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसका अंत क्या है? या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तुम्हें कतई नहीं आऊंगा, नेवर। अगर नहीं आना तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबा कर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। अरे शिवाजी राव उठ गए, शिवाजी राव उठ गए। अबे चुप रे बच्चे। नो नो नो, मेरी फोटो मत निकालो। तस्वीर छपेगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कम से कम इनके सीएम बनने तक तो मेरी नौकरी रहने दो। आप फिर यहाँ? कुत्ते की दूम हूँ, सीधा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या फैसला किया? संडा जाने का, समझा? चलो 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 भाई, साहब को संडा जाना है। चलो यार हटो, अरे बाथरूम जाना है यार, समझा करो। चलो 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 चलो, कोई पीछे नहीं आएगा, बता रहा हूँ। पीछे हो जाइए आप लोग, हट जाइए हट जाइए। ओ पंखे वाले भाई साहब, हट। अरे क्या कर रहे हैं आप? देख दे रहे हैं साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं जानता हूँ। नमस्ते बेटा, मैं अपोजिशन का लीडर कुमार विशाल हूँ। मुझे पता था सुबह उठते ही आप संडास जरूर जाएंगे, इसलिए सुबह 5 बजे से कुर्सी यहाँ डाल के बैठा हूँ। मेरे पास 40 MLA हैं, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ साइन कर देंगे। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगला चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे या मैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग में तय कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ जेब खर्ची लाया हूँ, बाहर वैन में पड़ी है। कहाँ रखूँ? 100 खोखा। 100 खोखा मतलब 100 करोड़। साहब को लगी इमरजेंसी और आप दे रहे हैं करेंसी। एक मिनट, संडास में बाले क्या काम है? ये पकड़िए भाई साहब, मेरी बात सुबह सुबह मंत्रालय और शौचालय। देश का दुर्भाग्य यही है, भगवान ने मुंह दिया खाते रहो, हिसाब नहीं दे रहे। आप लोग को चुपता करके आगे इनको हिसाब देना है। बैठिए बैठिए। नमस्ते शिवाजी जी। जी जी नहीं है, जीजा है तेरे, समझे? हम देश सेवा पार्टी के हैं, सीधा दिल्ली से आ रहे हैं। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। आपकी प्रगति के लिए हमारे नेताजी ने कुछ चंदा भेजा है, 500 खोखे। आप उनसे बोलिए कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। You're right, very good, very good. 1 second, 500 खोखे। इनकम टैक्स ऑफिस। टोपी जी। बोलिए जी। आप इनसे कहकर हमारा काम करवा दो, हम आपको भी 2 खोखे दे देंगे, ठीक है? चोर। हम हेमंत मिश्रा, अलायंस पार्टी हमारी है। वो दरवाजे से घुस नहीं पाया, इसलिए ऊपर से नीचे आया। कोई बात नहीं, हमारी पॉलिटिक्स भी ऐसे ही नीचे उतर आई है। प्रभु, अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते तो मत आइए। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि हेमंत हमारा भाई है, बस।
फिर महाराज भरत की तरह आपकी खड़ाऊ कुर्सी पे रख के जो तीर आपने एक दिन में मारा है हम रोज मारेंगे प्रभु। शिवा, ये कौन सी पार्टी है भाई? शिवा बेटा आओ बेटी आओ। अरे खेती बाड़ी पार्टी। बेटा टीवी पर बताया किसी ने तुमको बहुत मारा, ये सुनकर मंजिल भी बहुत रोने लगी, मुझसे देखाने गया तो उसे ले आया। आप कैसे? अब ठीक हूँ। मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी थी। बेटा टीवी पर जब सब लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैं घबरा गया कि कहीं ये सब लोग मिलकर तुमको भी राजनीति में खींच ना ले। उसमें मत घुसना बेटा, बहुत गंदा दलदल है वो, एक बार पांव रख दिया तो दस से ही चले जाओगे। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक पिता की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं। ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मंजिल के बारे में जरूर सोच लेना। बेटा मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। शिवा मेरी बात मान, इससे शादी कर ले। हाँ। हम सब लोग किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पॉलिटिक्स की परछाई भी ना हो।